हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ डॉक्टर शुभा अग्रवाल। कैसे हैं आप सब? यदि आप इस चैनल में नए हैं तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि फ्यूचर में आपको और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ स्किन ब्लीच। स्किन ब्लीच से जुड़े हुए कुछ बातें और क्या हमें ब्लीच करनी चाहिए। यदि आपके चेहरे में बाल बहुत अधिक मोटे हैं और कड़े हैं तो उसके लिए आपको लेजर ट्रीटमेंट ही बेस्ट होता है। बट आपकी त्वचा में बाल छोटे कुछ मुलायम हैं तो उनका समाधान हम कई तरीके से कर सकते हैं, जैसे हम स्किन ब्लीच से, हम अपने बालों में ट्रिमर और थ्रेडिंग करके। तो इन तीन ट्रीटमेंट के बीच में मैं आपको सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट जो है बताती हूँ, ट्रिमर। हमारे चेहरे में जो बाल होते हैं छोटे छोटे मुलायम, उनको हटाने के लिए सबसे अच्छा होता है ट्रिमर। थ्रेडिंग कराने से बार बार आप अपने हेयर फॉलिकल को इरिटेट करते हैं। हेयर फॉलिकल को इरिटेट करने के कारण वहां पर पिंपल्स और स्कार की प्रॉब्लम हो जाती है और हमारे लिए ये दर्दनायक भी होता है। ट्रिमर का आप इस्तेमाल करते हैं तो ये आपके लिए बहुत सेफ होता है और ये एक बार इसमें पैसे खर्च करने जैसी बात होती है। एक बार आप अपना इसमें पैसा खर्च करके आप लाइफ टाइम के लिए अपने चेहरे के बालों को हटा सकते हैं। एनी टाइम आप कहीं भी, घर पर बैठे हुए कहीं भी आपको फंक्शन में जाना होता है तो आप तुरंत ही अपने चेहरे के बालों को रिमूव कर सकते हैं। तीसरा हमारे पास होता है उपाय मुलायम चेहरे के बालों को अलग करने के लिए, ब्लीच। बहुत सारी गर्ल्स ब्लीच करती हैं तो आज मैं आपको बता रही हूँ ब्लीच करना क्या हमारे लिए सेफ होता है और क्या हमें ब्लीच करना चाहिए। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, हम ब्लीच कर सकते हैं बट ब्लीच करने से पहले और बाद में क्या क्या सावधानियां हमें रखनी चाहिए। ब्लीच का काम होता है हमारे चेहरे के मुलायम बालों में जो कलर होता है उसको हटाना, हमारे बालों में जो मेलानिन पिगमेंट होता है उसको रिमूव करना, जिसके कारण हमारे बाल गोल्डन कलर के हो जाते हैं। इसके कारण हमारी त्वचा का कलर भी फेयर लगता है और हमारे बाल भी गोल्डन कलर के हो जाते हैं। तो ब्लीच के क्या क्या हानिकारक प्रभाव हमारे चेहरे पर होते हैं। यदि आपकी त्वचा सूखी है और आप ब्लीच लगातार करते हैं तो आपके चेहरे में और भी सूखापन हो सकता है। तो लगातार ब्लीच करने वालों को मैं एडवाइस दूंगी, ब्लीच करने से पहले आप अपने चेहरे को अच्छे से मॉइस्चराइज कीजिए। ऑक्सी ब्लीच और कुछ कंपनीज की जो ब्लीच होती है उनमें प्री ब्लीच क्रीम दी जाती है, उसका आप इस्तेमाल जरूर करें। ब्लीच करने से आप डायरेक्ट फेस वॉश करने के बाद कभी ब्लीच ना करें। फेस वॉश करने के बाद हमारे चेहरे का ऑयल प्रोडक्शन कम हो जाता है और उसके बाद हम ब्लीच करते हैं तो हमारा चेहरा और भी ज्यादा सूखा हो जाता है। तो ब्लीच करने से पहले हमारे चेहरे में नमी जरूरी होती है तो आप प्री ब्लीच क्रीम का इस्तेमाल जरूर करें। ब्लीच करने के बाद हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ब्लीच करने के बाद हमारी त्वचा सेंसिटिव हो जाती है और हमारे चेहरे में सूखापन आता है। तो ब्लीच करने के बाद आप अपने चेहरे पर मॉइस्चराइजर जरूर लगाएं। मॉइस्चराइजर लगाने से आपके त्वचा में नमी बनी रहती है और ब्लीच करने के बाद हमारी त्वचा धूप से भी सेंसिटिव हो जाती है। तो आप धूप में जाने से पहले सनस्क्रीन लोशन लगाएं और धूप से अपनी त्वचा को बचाएं। ब्लीच करने के 3 से 4 दिन बाद तक आप अपनी त्वचा का विशेष ध्यान रखें, इसे आप धूप से बचाएं क्योंकि ब्लीच हमारी त्वचा को थोड़ा सेंसिटिव कर देती है। तो या आप लगातार ब्लीच का इस्तेमाल करते हैं तो आप छोटी बड़ी बातों का ध्यान जरूर रखें। मैं तो इन प्रोडक्ट्स को बहुत अधिक इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देती हूँ, लेकिन आप अपने हेयर रिमूवल, हेयर रिडक्शन या हेयर को कम करने के लिए ये सारी चीजें यूज करते हैं तो आपके लिए अच्छा है। बट इन चीजों का इस्तेमाल करने से पहले और बाद में हमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए, आप उनका विशेष ध्यान रखें तो आप भी त्वचा की प्रॉब्लम से बच सकते हैं। क्योंकि हमें लगता है कि ओवरऑल हम चेहरे में जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं वो हमारे लिए उतने हानिकारक नहीं है, बट ये हमारी त्वचा की ओपन पोर में, हेयर फॉलिकल में जाकर वहां इन्फ्लामेशन, इन्फेक्शन और खुजली क्रिएट करते हैं। तो इन सारे प्रोडक्ट को इस्तेमाल करने से पहले आप सारी बातें जान लें, उसके बाद आप यूज करें। मैं भी ऑक्सी ब्लीच यूज करती हूँ, मैं भी लगातार बहुत टाइम से ब्लीच यूज करते आ रही हूँ। इसके रिजल्ट मुझे अच्छे लगते हैं ऑक्सी ब्लीच के, और इसमें एक प्री ब्लीच क्रीम होती है। प्री ब्लीच क्रीम लगाने से मेरे त्वचा में नमी होती है और पोस्ट ब्लीच एक सेरम भी दिया जाता है, तो इस सेरम को इस्तेमाल करने से मेरे त्वचा में नमी बनी रहती है। बाकी ब्लीच करने के बाद जो भी पोस्ट केयर होती है वो मैं अपनी त्वचा के साथ ध्यान रखती हूँ, मुझे इसके रिजल्ट अच्छे लगते हैं। तो आप हो सके तो ब्लीच को बहुत ज्यादा टाइम तक इस्तेमाल ना करें, 2 महीने से 3 महीने के गैप में आप ब्लीच कर सकते हैं।
यदि आपको रिक्वायर्ड है तो आप पूरे चेहरे में इस्तेमाल करें, और आपको रिक्वायर्ड नहीं है तो सिर्फ आप अपने अपर लिप एरिया में थोड़ी कुछ ब्लीच कर सकते हैं। यदि आपके चिन में थोड़े कुछ बाल हैं तो चिन एरिया में भी अप्लाई कीजिए। बट ये जो केमिकल प्रोडक्ट है हमारे लिए हानिकारक कहीं ना कहीं दोस्तों होते हैं, लेकिन हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें किस तरीके से अपने फेस को क्लीन करना है और क्या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज करने हैं, इनका आप विशेष ध्यान रखें तो आप भी स्किन प्रॉब्लम से बच सकते हैं और आप भी पा सकते हैं हेल्दी ग्लोइंग स्किन। दोस्तों उम्मीद करती हूँ मेरे द्वारा दी गई ये छोटी सी जानकारियां आपके लिए बहुत ही लाभदायक साबित होंगी और आपकी त्वचा को और भी सुंदर और ग्लोइंग बनाएंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, स्टे हैप्पी, स्टे ब्यूटीफुल। बाय बाय।